एक्सरसाइज 2.3, ये 2.3 इसका क्वेश्चन है। फर्स्ट पहले आप समझ लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन ऑफ वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर। कैसे लिखेंगे? ये वेरी लार्ज नंबर है, ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जो लार्ज नंबर होते हैं उनको पॉजिटिव पावर में लिखते हैं और जो स्मॉल नंबर होते हैं उनको नेगेटिव पावर में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? देखिए, जब भी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर को लिखते हैं वो तो 10 की पावर में लिखते हैं, और ध्यान रखना जो डेसिमल आता है वो जो नंबर है उसके वन प्लेस के बाद आता है, मतलब मुझे डेसिमल यहाँ चाहिए, ठीक। तो क्या क्या चेंजेस होंगे वो देखना है, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो है ये वाला ज़ीरो, इस वाले ज़ीरो को ऐसे लिख सकता हूँ, डेसिमल और ज़ीरो, पॉइंट ज़ीरो, क्योंकि ये नंबर और ये दोनों नंबर सेम है। मैंने क्या किया, यहाँ से एक डेसिमल लगाया, ज़ीरो लगा दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू डेसिमल के बाद ज़ीरो उसकी सेम वैल्यू होती है, वही ये दोनों सेम है। तो मैं क्या करूँगा, इस डेसिमल को मुझे यहाँ लेके आना है, शिफ्ट करना है, यहाँ शिफ्ट करना है, ठीक। तो कैसे शिफ्ट करूँगा, चुपचाप आप आँख बंद करो, 3.17 कर दो, ठीक, इंटू 10 करो। राइट से लेफ्ट कितने प्लेस शिफ्ट हुए, 2, 4, 6, 8, 10, 10 शिफ्ट हुए। राइट से लेफ्ट चलेंगे, डेसिमल को शिफ्ट करेंगे तो पावर पॉजिटिव आएगी, ठीक, यही आपका आंसर। ऐसे इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। इसमें क्या करते हैं, जो भी आपकी वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर हैं वो 10 की पावर में आते हैं। कैसे आए, जब भी डेसिमल हम राइट से लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 2, 4, 6, 8, 10, 10 है, 10 है, तो यहाँ पे मुझे डेसिमल लगाना है, तो कितने नंबर के बाद मैंने डेसिमल लगाया, 10 के बाद, तो पावर कितनी लगाई, 10। कहाँ से कहाँ तक शिफ्ट कर रहा हूँ, राइट से लेफ्ट, ठीक। अब आते हैं, तो वेरी लार्ज नंबर था, अब वेरी स्मॉल नंबर को कैसे शिफ्ट करेंगे, देखिए। अब देखिए, ये वेरी स्मॉल नंबर है, पॉइंट डेसिमल बोलते हैं इसको, पॉइंट को, 2, 4, 6, 7 क्या पढ़ेंगे, 0.00000823। अब मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, वही 10 की पावर में, कैसे लिखेंगे, लिखिए। अब मुझे ये, मैं पॉइंट शिफ्ट करूँगा, मैंने बताया एक नंबर के बाद पॉइंट आना चाहिए, मुझे यहाँ पॉइंट चाहिए, ठीक, तो आप पहले लगा दो, कर दिया, इनटू 10। जब मैं लेफ्ट से राइट शिफ्ट करूँगा डेसिमल तो माइनस में आएगी पावर, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने नंबर शिफ्ट करा मैंने डेसिमल, 8 प्लेसेस, तो यहाँ पे पावर कितनी आई, -8। यही एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन हैं, सेम ऐसी ही पैटर्न नंबर, ये देखिए एक्सरसाइज 2.3, इसमें वही करना है फर्स्ट वाले में भी, इसमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, ठीक। क्या करना है इसको, 10 की पावर 6 है तो कितने जीरो लगा दूंगा, 6, सेकंड बता रहा हूँ उसका, 2.3 का सेकंड। ये देखिए 4.34 इंटू 10 की पावर 6, इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, ठीक है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, ये दे रखा है साइंटिफिक फॉर्म और ये साइंटिफिक नोटेशन। नोटेशन होती है 10 की पावर और फॉर्म क्या होती है, उसको लार्ज और स्मॉल नंबर में लिखना। अब देखिए एक क्वेश्चन, ये क्या है, फॉर्म है, और जो मैंने इससे पिछला बताया वो था नोटेशन। नोटेशन में 10 की पावर लिखेंगे और फॉर्म में एक्सपेंड करके लिखेंगे। ये 10 की पावर 6 लगा है, मतलब कि हमने राइट से लेफ्ट शिफ्ट किया होगा, कुछ मत करो आप, 4 पॉइंट, पहले तो नंबर लिखो, ये कितने प्लेस हैं, 2 हैं, आप क्या करो, 6 हैं, तो 10 की पावर 6 हैं, तो कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। और पॉइंट यहाँ कितने के बाद था, 2 के बाद, तो यहाँ पॉइंट लगा दो, वही हो गया आपका साइंटिफिक फॉर्म। जितने प्लेस पे यहाँ डेसिमल लगा हुआ है, पहले पूरा लिख के जीरो लगा के फिर लास्ट से
राइट से जितने प्लेस पे डेसिमल है वो लिख देंगे, ऐसे हो जाएंगे सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। अगर माइनस होगा तो राइट से लगाए, लेफ्ट से लगाएंगे। एक क्वेश्चन बता देता हूँ, ये देखिए ये क्वेश्चन है, आप क्या करोगे, 7 4 ऐसे लिखा। देखिए पहले तो वही सिंपल करेंगे, 8 7 4 लिख दिया। अब देखो ये नेगेटिव है तो ज़ीरो कहाँ आए होंगे इसके, लेफ्ट साइड में, तो ज़ीरो लगा दो लेफ्ट साइड में। जितने ज़ीरो यहाँ है, 7 है, 7 लगा दो, 2 4 7 2 4 6 ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ कितने प्लेसेस पे डेसिमल है, 2 पे, तो हम यहाँ लगाए थे हमने राइट में, अब यहाँ क्या लगाएंगे, लेफ्ट में, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। बस यही आंसर, 0.00008 74, यही आंसर। अब पूरी एक्सरसाइज 2.3 हो जाएगी।